सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का अजीत बुलेटिन विच निघा स्वागत। ते हुण नजर मार लैने आ अज दीआं खास खास खबरां ते। डेराबासी दे मीट प्लांट च गैस चढ़न नाल चार वर्करां दी मौत। गोदरा कांड दे 8 दोषियों नूं जमानत, 4 पटीशनां खारज। पुलिस वल्लों विधायक गोल्डी कंबोज दा पिता गिरफ्तार। किरणदीप नूं एयरपोर्ट उत्ते रोकना ठीक नहीं, ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा। ट्विटर ने राहुल गांधी, सीएम योगी तो लैके शाहरुख खान तक सारे दे ब्लू टिक हटाए। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सब्सक्राइब करो अजीत वेब टीवी अते ताजी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बेल आइकन ते क्लिक करो। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते इस दे नाल ही कुछ अहम खबरां। डेराबासी दे फैडरल मीट प्लांट विखे दोपहर वेले एक टैंक की सफाई करन वेले चार वर्करां दी मौत हो गई। ए चारे वर्कर चर्बी वाला टैंक साफ करन दे लई अंदर दाखल होए सन। मृतकां दी पछाण माणक वासी पिंड बेहड़ा श्रीधर पांडे वासी, नेपाल कुरबान वासी, बिहार जनक वासी नेपाल दे तौर उत्ते होई है ते जिन्हां दीआं लाशां नूं डेराबासी सिविल हस्पताल दे मुरदा घर विखे रखवाया गया है। पुलिस इस मामले दी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार नूं साबरमती एक्सप्रेस दी बोगी नूं साड़न दे 2002 दे गोदरा कांड दे 8 दोषियों नूं जमानत दे दित्ती है। ए दोषी उम्र कैद दी सजा कट रहे सन। जलालाबाद तो आप विधायक गोल्डी कंबोज दे पिता सुरेंद्र सिंह कंबोज नूं पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार करन दी खबर सामने आई है। पुलिस दे वल्लों गोल्डी कंबोज दे पिता समेत 4 खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गोल्डी दे पिता सुरेंद्र कंबोज उत्ते दोष लगाउंदे होए सुनील कुमार ने पुलिस नूं दस्या कि गोल्डी दे पिता ने मैनूं जबर जनाह दे झूठे केस विच फसाउण दे लई 10 लाख रुपए की मांग की। दूसरे पासे पुलिस दे वल्लों सुनील दे बयानां दे आधार उत्ते सुरेंद्र सिंह कंबोज, राणो बाई, सुनील राय अते सुनील राय की पत्नी दे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये जी एक सुनील कुमार वालों साढ़े को कंप्लेट आई सी जिसे उन्होंने दोष लगाए थे कि रेप का परचा दर्ज करा के उसके उन्होंने बचाने के लिए जोड़े पैसे की मांग की गई है और उन्होंने एलीगेशन की ही वेरीफाई करते हुए जी जोड़ा है परचा रजिस्टर किया गया जी। कि पैसे की डिमांड सी जी तकरीबन 10 लाख का जो पहली पूछगिछ सामने आया 10 लाख रुपए की मांग की गई थी और चार अक्यूज है जी किस तरह देख दो जी इस सारे केस नूं पुलिस किस तरह देख रही है जी। कोई विधायक दी सिफारिश आई जी इहनूं रोकण वास्ते जी किस तरह नहीं जी विधायक वल्लों भी यही है जी कि कानून मुताबिक जो बनदी कार्रवाई उही कीती जाए और कानून दे मुताबिक ही जी एज़ पर लॉ जो हैगा उही अगे प्रोसीड करांगे और विधायक वल्लों भी यही है कि कानून दे मुताबिक ही कार्रवाई करो जी। कोई पुराने मामला भी दर्ज है जी इन्हां दे कोई है इस तरह दा कोई इन्हां दे कुछ आई थिंक पहला केसेस दर्ज हैगे जी। डिटेल तां मेरे कोल इस टाइम नहीं है पर कुछ पहला केसेस जी ओह किस तरह दे केस ने जी समझ तो बार है कि जदों किरणदीप कौर दे सहुरे घरे जा के उस तो सारी पुछगिछ की जा चुकी है फिर उसनू अपने घरे जाण तो क्यों रोकिया जा रहा है। दसण योग है कि किरणदीप कौर एक ब्रिटिश नागरिक है ते उसका वीजा भी छेती ही खत्म होने वाला है। पता नहीं सरकार मतलब क्यों इस तरह का माहौल जिहड़ा है सिरज रही है। वो लड़की घर दे विच है उहदे घर जाके पुछगिछ कर भी चुकी है जे जरूरत है तो फिर पुछगिछ की जानी चाहिए है। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ
कि ये जड़े साहबजादे है ये सपोलिए ने सप के बच्चे है और इन्हों का फन जरा कुचलना होने जरूरी है नहीं तो ये वे होकर फनीयर बनन। तो मलेरकोटले के नवाब ने कहा कि ये बच्चों का कोई कसूर नहीं है, इन्हों सज़ा देनी जी है ये इस्लाम के असूलों के भी खिलाफ है। और अज तक हालांकि नवाब मलेरकोटला गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल कई जंगा के शामिल रहे, उन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज की विरोधता की, पर असी नवाब मलेरकोटला की इस करके एक गल करके सराहना करते हैं कि उन्हें यह शब्द कहे कि बच्चों का कोई कसूर नहीं है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने वीरवार नूं सारे विरासती प्रमाणित खातों तो ब्लू टिक नूं हटा दिता है। हुण ट्विटर उत्ते दिखाई देण वाले उपभोक्ता जिन्होंने नीले चैक मार्क की पुष्टि की है उन्होंने ट्विटर ब्लू सेवा की गाहकी लई है अते भुगतान कर रहे ने। इस दी लागत वैब उपभोक्तावां लई $8 प्रति महीना अते iOS अते एंड्रॉयड उत्ते इन ऐप उपभोक्ता दे लई $11 प्रति महीना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ विच वीरवार नूं अत्तवादी हमले विच 5 जवानों के शहीद होने तों बाद विच सुरक्षा बलों ने बाटा डोरिया खेतर के संघने जंगली खेतर विच वड्डे पद्धर उत्ते तलाशी मुहिम चलाई है। पूरे इलाके दे विच घेराबंदी कर दित्ती गई है अते अत्तवादियों का पता लगाउण दे लई ड्रोन अते सुहियार कुत्तियां दी वरतों की जा रही है। राजौरी अते पुंछ दे सरहदी जिलों दे विच हाई अलर्ट जारी कर दिता गया है अते कंट्रोल रेखा उत्ते सख्त चौकसी रखी जा रही है। अत्तवादी हमले तों बाद भिंबर गली पुंछ रोड आवाजाई रोक दी गई है अते लोकां नूं मेंढर दे रास्ते पुंछ जाण दी सलाह दी गई है। उत्थे ही पंजाब दे 4 जवानां दी शहीदी उत्ते सोग दी लहर है। राजधानी दिल्ली की एक अदालत में शुक्रवार सवेरे गोलीबारी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट में वापरी। इस विच एक औरत नूं अदालत के अंदर ही गोली मार दी गई है ते उसनूं गंभीर हालत दे विच नेड़ले एम्स हस्पताल दे विच लजाया गया। हमलावर की पछाण कर ली गई है हालांकि दोषी औरत उत्ते गोली चला के मौके उत्ते फरार हो गए। अबोहर विच हाई वोल्टेज तारां विच स्पार्किंग होण दे कारण अज दुपहर पिंड खेरपुर विच इक किसान दे कणक दे खेत विच अग लग गई जिस कारण करीब 6 एकड़ कणक दी फसल सड़ के सुआह हो गई। मौके उत्ते पहुंची फायर ब्रिगेड दी गड्डी ने तुरंत अग उत्ते काबू पाया। पीड़ित ने प्रशासन ते सरकार तों मुआवजे दी मंग कीती है। उत्थे ही फायर ब्रिगेड नूं सूचना मिलदे ही अबोहर तों फायर ब्रिगेड दे प्रगट सिंह अते लवदीप सिंह ने अपनी गड्डी लै के अग उत्ते काबू पाया। इस अग उत्ते काबू होण तक उसकी 6 एकड़ फसल सड़ के सुआह हो गई जिस कारण उसका लखां का नुकसान हो गया। उसने सरकार तो मांग की है कि उसनू बनदा मुआवजा दिता जाए। अग शॉर्ट सर्किट कारण अग लगी है जी। मेरा नाम प्रवीण है जी, पुत्र राम कुमार मंडा ते आ मेरी ठेके लई जमीन है जी। राजदीप सानू करनी सिंह जी, मैं जमीन ठेके लई सी जी। ये शॉर्ट सर्किट नाल आग लगी जी, ए कारण 6 किलो एकड़ कणक वल के तबाह हो गई, खराब हो गई जी। इस करके सानू प्रशासन नाल बेनती है कि सानू मुआवजा दिता जाए, साडी कोई आर्थिक मदद की जाए। मेरा नाम लवदीप सिंह चेयरमैन है जी। तो सानू फोन से सूचना मिली थी कि खैरपुर पिंड अग लगी है जी। तो असी मौके पर पहुँच के अग से काबू पा लिया। तो कणक नूं अग लगी ही 6 किले थां जी, जो सड़ के तबाह हो गया। दसे जी की है कणक कुणक? कणक ये जमीन ठेके ते लेंदे ने जी खैरपुर पिंड दे ने। हांजी, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब दे आगू सरवण सिंह पंधेर की अगवाई हेठ ने अजीत वैब टीवी दे नाल गलबात दौरान दस्या कि 23 अप्रैल देवीदापुर फाटक ते रेल रोको मोर्चा कणक दे सीजन नूं मुख रखदिआं हुण 29 अप्रैल तों बाद होवेगा जिस दी अगली मिति दा ऐलान बाद विच कीता जावेगा। देखो जिहड़ा सानूं फैसले दा पता लगा, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिहड़ी सूबा कमेटी जिहड़े उहने फैसला कीता, सारे पंजाब दे ਜਾਜੇ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜਾ 23 ਤੇ 24 ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕ ਮੋਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਨਿਰਵਘਨ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਊਗੀ ਵਿਕਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੈਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਣ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
भावे पंजाब सरकार दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों किसानां नूं गिरदावरी तो पहला मुआवजा देण दे कीते वादियां दी फूक निकलदी सुल्तानपुर लोधी दे पिंड सुचेतगढ़ विखे देखण नूं मिली है जिथे कि किसानां नूं कोई मुआवजा नहीं दिता गया। पिंड सुचेतगढ़ वासियां ने पंजाब सरकार पासों मांग कीती है कि बीते दिन भारी गड़ेमारी नाल फसलां दे होए नुकसान दा मुआवजा दिता जावे। उन्होंने दसा कि पिंड दीआं कुछ जमीना उच्चियां थावां उत्ते ने ते जिन्हां दा घट नुकसान होया है पर नीवियां जमीना दा वड्डे पद्धर उत्ते नुकसान होया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब डिप्टी कमिश्नर कपूरथला और SDM सुल्तानपुर लोधी पासों मंग की है कि मीह हनेरी और गड़ेमारी नाल प्रभावित हुई फसलों का किसानों नूं बनदा योग मुआवजा तुरंत दिता जाए। मैं बलदेव सिंह नगर पिंड सुचेतगढ़ तो सरपंच गल कर रहा जी। बेनती करते हैं खेतीबाड़ी मंत्री और जिले के DC साहब SDM साहब सारे की सेवा में बेनती है जी कि पिछले दिनों भी असी बेनती की सी नगर वालों सारे समुचे तौर पर संगत वालों भी साढ़े नगर का जी जो आ पिछले दिनों के बारिशा हुई बहुत ज़्यादा नुकसान होया जी। साढ़े पिंड SDM साहब तहसीलदार साहब पटवारी साहब मौका विकन वास्ते गए भी सी और साढ़े ना वादा भी इन्होंने किया भी तुहानू मुआवजा दिता जाएगा पर अजे तक साड़ी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस करके दोबारा फिर असी बेनती कर रहे हाँ DC साहब की सेवा में भी होर अफसर साहबान खेतीबाड़ी मंत्री साहब की सेवा में भी साड़ा नुकसान बहुत ज़्यादा होया जी क्योंकि साढ़े नगर की जिहड़ी जमीन है वह तो पहला ही कुलराठी है इस करके पहला ही उहदी जिहड़ी उपजाऊ जमीन नहीं है। देखो ये जिहड़ा हैगा मैटर साढ़े ध्यान च उन्होंने अज भी लेके आए हैं असी उत्थे दा मौका भी देखे सी सुचेतगढ़ का प्रशासन ने जिहड़े पटवारी हलका वह भी गए सी ते जिहड़े एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट उन्होंने भी गए सी ठीक है अज वो लैके आए हैं असी दोबारा एक बार फिर रिपोर्ट जिहड़ी वह करवा लैने आ बट मैटर जिहड़ा हैगा वह ये नहीं है कि उत्थे खराबा नहीं पाया गया खराबा पाया गया उसकी परसेंटेज जो लेना चाहते तो असी दस सकते। मैम वो कह रहे हैं कि साडी जिहड़ी जमीन है उहनू कलर वाली जमीन कह के नकारिया जा रहा है। देखो ये तो यहोजा कुछ नहीं है बट ये है तुसी भी उत्थे वेरीफाई करवा सकते हो कि उत्थे दी जिहड़ी हैगी है जमीन कुछ एरिए दी किस टाइप की तो उसनों कह के आपां ये नहीं डिनाई कर सकते। ਏਸੀ ਅਜੀਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਦੇ ਨਾਲ।